हेलो फ्रेंड्स अ वेरी वेलकम टू आर एम एन एस प्रेब चैनल डेडिकेटेड टू एम एन एस एस्पिरेंट्स सो एज यू कैन सी दमनेल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम इम्पॉटेंट क्वेश्चन फ्रॉम बजट ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन एम सी क्यू फॉर्मेट एंड होप यू लाइक दिस वीडियो तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बजट से वो मैंने सारे कवर नहीं किए हैं मैंने वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एम एन एस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं

ये जो बजट है 2022 का वो प्रेजेंट किया गया है इन पार्लियामेंट ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर द ईयर 2022 से लेकर 2023 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू हु प्रेजेंटेड द बजट 2022 इन पार्लियामेंट तो 2022 का बजट पार्लियामेंट में इनमें से किसने प्रेजेंट किया है

जब हम इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर जब कोई कंट्री लगाती है टैक्स वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है ऑप्शन सेल्स टैक्स वैल्यू एडिड टैक्स वैल्यू एडिट टैक्स आपका जो एम एन एस में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था वेट की फुल फॉर्म तो वैल्यू एडिट टैक्स इसका करेक्ट आंसर था इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो भी टैक्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर लगते हैं तो दैट टैक्स आर नोन एज कस्टम ड्यूटी सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ओके होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंडियास फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस्ड इंडिया का पहला बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था जब आपसे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात ना करके

तो ये आप सर्च कर लेना फादर ऑफ बजट इन इंडिया नोन एज पी सी मानलोबिस ओके सो पहला बजट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था सेवेंथ ऑफ अप्रैल एटीन सिक्सटी में बाय जेम्स विल्सन ओके एंड इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवम्बर नाइनटीन ओके तो दोनों में डिफरेंस है अगर फर्स्ट बजट पूछा जाए

होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बजट के ऊपर किसने स्पीच uh, डिलीवर की है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज निर्मला सीतारमन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बाय निर्मला सीतारमन द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच निर्मला सीतारमन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट स्पीच वेन शी स्पोक फॉर टू आवर्स एंड फोर्टी टू मिनट द्री मिनट थ्री आवर्सेंटिंग दूनियन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी टू सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी 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 सो सबसे जो लॉन्गेस्ट स्पीच दी है बजट के ऊपर वो दी है निर्मला सीतारमन ने फॉर दी बजट फॉर बजट ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टेस्ट बजट स्पीच इनमें से किसने डिलीवर किया है सो द शॉर्टेस्ट बजट स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हिरुभ हिरुभाई मुलीजी भाई पटेल सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज द वर्ड बजट इज डिलीवर्ड फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स स्मॉल बैग तो बजट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल बैग तो इनमें से किस वर्ड से ये बजट वर्ड ड्राइव है सो द वर्ड बजट इज डिराइव फ्रॉम देंच वर्ड बॉग्यू टी सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तो इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट uh, no, सारे में सेम है स्पेलिंग्स तो b बी ओ यू जी ई डबल e, -T -E. लेदर बैग जिसका मतलब है स्मॉल बैग और अ लेदर बैग सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन हु द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट दैट इज जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच इज़ ज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने यूनियन बजट रिप्रेजेंट किया है पार्लियामेंट के अंदर तो उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इन पार्लियामेंट हाउ मेनी टाइम्स दस बजट इज प्रेजेंटेड सो इन पार्लियामेंट हाउ मेनी टाइम्स पेपरलेस बजट इज प्रेजेंटेड

सो so, अप्रैल के किस डेट पर बजट रिप्रेजेंट सॉरी इंप्लीमेंट किया जाता है या फिर प्रेजेंट किया जाता है तो ऑप्शंस आर वन टू थ्री और फोर अप्रैल तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑफ अप्रैल सो एवरी ईयर फर्स्ट ऑफ अप्रैल बजट वाज प्रेजेंटेड सो एवरी ईयर बजट इज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज बजट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड बाई होम बजट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड बाई एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर बट ये किसके डिसीजन पर बजट इम्प्लीमेंट uh, या फिर प्रेजेंट किया जाता है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर सो सो दैट इज इज बाय प्रेसिडेंट ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर तो किसके डिसीजन पर बजट बनता है प्रेसिडेंट के डिसीजन पर ठीक है और प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इन इंडिया द बजट सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई

सो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट बजट इन इंडिया दैट इज इंदिरा गांधी विच इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बट इंडिपेंडेंटली फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर पूछा जाए तो दैट इज निर्मला सीतारामन बिकॉज उस टाइम पर ये प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी थी तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं था नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कंट्रीज बजट इज बेस्ड ऑन कंट्री का जो बजट है वो किस पर बेस्ड है ऑप्शंस आर टैक्स, जीएसटी बैंक और जीडीपी सो कंट्रीज बजट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन जीडीपी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम बजट ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिसेंटली इन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हाउ मेनी परसेंटेज इज इन्वेस्टेड इन डिफेंस सेक्टर बाई दवेंट ऑफ इंडिया तो बजट दो हजार बाईस में डिफेंस सेक्टर के लिए कितना परसेंटेज दिया गया है ऑप्शन सेवेंटीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट और ट्वेंटी परसेंट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज एट परसेंट सो डिफेंस सेक्टर के लिए जो बजट है दैट इज एट परसेंट and this is important question from budget 2022 guys hope you like this video on budget and questions are very important so quickly we can revise each and every questions like uh, budget 2022 is presented for financial year 2022 then budget is presented by nirmala sitaraman finance minister एंड टेक्स इम्पोर्स एंड इम्पोर्स ड्यूटी इसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज वैन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर जब टैक्स लगते हैं एंड फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूसड हुआ था नाइनटीन सॉरी एटीन सिक्सटी में वेर एज इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बजट है दैट इज प्रजेंटेड बाई आर के सनमुगन शेट्टी नाइनटीन फोर्टी सेवन ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवम्बर दैन रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्पीच बाय निर्मला सीतारमन एंड शॉर्टेस्ट स्पीच ऑन बजट दैट इज़ हीरू भाई पटेल उसके बाद जो स्मॉल बैग है जिसका मतलब होता है सॉरी बजट uh, जिसका मतलब होता है स्मॉल बैग ये किस फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है तो दैट इज फ्रॉम बोक्यूटी ओके एंड देन प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट यूनियन बजट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज जवाहरलाल नेहरू उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स पेपरलेस बजट तो दिस इज सेकेंड टाइम वेन पेपरलेस बजट वॉज प्रेजेंटेड इन इंडिया India has a long, uh, largest trade surplus with uh, USA, so option B is the correct answer. and then budget is implemented every year and, and first of April important uh, first of April Always budget implement the budget of India is implemented by whom that is president. And then budget system was uh, started by James Wilson. Option A is the correct answer. Then uh, finance minister first to implement budget. और प्रेजेंटेड बजट इन इंडिया दट इज इंदिरा गांधी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कंट्रीज बजट इज बेस्ड ऑन जीडीपी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिफेंस सेक्टर में बजट जो है वो एट परसेंट ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस हैं बजट सेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड सोन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वीडियोज ऑन जी एंड इंग्लिश टू इंग्लिश में यू मस्ट मी यू मस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स ऑन दिस टॉपिक यू वॉन्ट क्वेश्चन ऑन इंग्लिश ओके एंड जो भी अपडेट होगा एग्जाम से दैट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू वीडियो टेलीग्राम एंड ऑन इंस्टाग्राम ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू